अवैध निर्माण के चलते हजारों स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में। कमला मिल जैसी भयंकर अग्निकांड की संभावना। स्कूल प्रशासन ने प्रेस वार्ता के जरिए जताई खतरे की आशंका। खतरे में जेबी नगर में हजारों छात्रों का भविष्य। मुंबई उपनगर अंधेरी जेबी नगर के श्री राजस्थानी सेवा संघ के स्कूल के 7000 बच्चों का भविष्य खतरे में है। स्कूल ही की ही जमीन को कब्जा करके एक होटल बना है और रसोई स्कूल की तरफ है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा आंकड़ों स्कूल मैनेजमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया है। उन्होंने यह भी आशंका जाहिर की है कि अगर स्कूल प्रशासन की जगह स्कूल प्रशासन की होने के कारण कुछ भी दुर्घटना होती है तो बल क्या बकरा उन्हें ही बनाया जाएगा। बता दें कि स्कूल के परिसर के उत्तरी पश्चिमी कोने में अवैध कब्जा वाला गोपाल कृष्ण होटल, जिसे पहले पंजाबी होटल के रूप में जाना जाना था, के नाम पर भोजनालय संयुक्त रूप से चल रहा है। ये होटल विद्यालय की सीमा की दीवार पर बनाया गया है और दीवार लोडशेड असर संरचना नहीं है। स्कूल के प्रमुख ट्रस्टी डॉक्टर विनोद तिब्रेवाला ने बताया कि अवैध कब्जा वाले होटल गोपाल कृष्ण के खिलाफ एक ताजा लिखित शिकायत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महापौर, नगर निगम आयुक्त, अभियंताओं, बीएमसी कार्यालय, एमएमआरडीए, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन अधिकारी और राजनेताओं के साथ पुलिस आयुक्त को भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले समय में वो मोर्चा निकालेंगे। मोर्चे में सब ज्ञापन देंगे, नहीं कुछ होगा, हम स्कूल बंद कर देंगे, हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे। जिला मंत्री ने बताया बोला Silent, please.
हिंदी की प्राइमरी और हिंदी की सेकेंडरी स्कूल्स है और हमारे पास बार थ्री स्कूल्स है जिसके अंदर 2 साल तक छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जूनियर के जी, सीनियर के जी, नर्सरी, ये सारी हमारी यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रही है और यहाँ पर करीब 6 से 7 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। इस संस्था के अंदर ये पहले हमारी बाउंड्री बहुत आगे तक थी पर जैसे जैसे अंधेरी गोला रोड बढ़ती गई हमारी बाउंड्री कम होती गई। जब ये बाउंड्री ज़्यादा थी तो एक फर्नांडिस करके एक आदमी था जिसने 8 फुट बाई 10 फुट का एक खोखा हमारे कैंपस में रख दिया था। अब वो कैंपस में रख दिया तो लोगों ने बोला इस कैंपस इसको को हटाना चाहिए। 1960 के आसपास ही बात है सोसाइटी के अथॉरिटी ने ये बताया कि जब ये हमारा रोड बैंडिंग में जाएगा तो वो तार बंदी के पहला तो उसको तार लगा दिया तार बंदी किया तो फर्नांडिस ने क्रेन से उठा के वो कोखे को अंदर रख दिया तो उसके ऊपर फिर पुलिस केस किया देश पास का तो फर्नांडिस को और उनको जेल बेल हो गई क्लियर हो गई। फिर बाद में उसके अंदर एक आदमी अग्रवाल करके था साथ में तो दोनों को जेल हुई तो फिर उन लोगों ने सोसाइटी के प्रेसिडेंट का सिर भी फोड़ दिया। जब सिर फोड़ दिया तो फिर सोसाइटी के लोगों ने बोला भाई अब इनसे दूसरे लोगों से अपना कुछ होगा नहीं तो वो अग्रवाल जो है उसका एक प्लॉट भी था वो सेक्रेटरी बन के उसने सब यहाँ पे निकाला सब शुरू कर दिया। ये सब 64-68 तक ये सब चलते रहा। फिर 68 में जब उसने थोड़ा होटल बनाना शुरू किया उस पोखे से तो हमने उसकी फिर कंप्लेंट की तो 1970 के अंदर म्यूनसिपैलिटी ने बोला कि उसको BMC एक्ट 394 में उसे जेल दे दी है और उसका जो होटल चला रहा है उसके लिए हमने उसे सजा दी है और उसको हमने कोई लाइसेंस नहीं दिया। वो फिर भी वो होटल बनाते गया और वो होटल को 8x10 से थोड़ा बड़ा बनाते गया। फिर हमने सोचा कि ये तो सारी ये इसको सारी जमीन घेर लेगा हमें तो हमने हमारी बाउंड्री वॉल बनाई। जब वो बाउंड्री वॉल बनी तो उस बाउंड्री वॉल को उसने रोकने की कोशिश करी और वो बोला हम कोर्ट में जाएगा ये करेगा लेकिन वो कोर्ट में गया नहीं और हमने हमारी बाउंड्री वॉल बना ली कि जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाए। अब वो क्या किया बाउंड्री वॉल के ऊपर वो सब निर्माण करने लगे तो फिर हमने म्यूनसिपैलिटी को चिट्ठी लिखना शुरू किया तो म्यूनसिपैलिटी ने 2000 में हमको मार्च में ये बोला कि हमने इसकी ये जो होटल है इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो फिर वो बाउंड्री वॉल को 2005 में उसने और 25 फुट ऊंचा किया और 25 फुट ऊंचा करके उसको बड़ा होटल ग्राउंड पूरा फर्स्ट फ्लोर का बनाना शुरू किया। हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी हमने कमिश्नर को टेलीग्राम भेजा मेल भेजा पुलिस को चिट्ठियाँ भेजी गवर्नमेंट को भेजी लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमने उसके लिए एक स्टे लेने का भी कोशिश किया लेकिन वो स्टे में भी मोशन तारीख पर तारीख लिखती रही और वो हमको स्टे मिला नहीं। 2005 के अंदर MMRDA ने हमें एक टेंडर दिया और उसमें उन्होंने स्केच दिया कि आपकी ज़मीन में से 167 स्क्वायर मीटर की जगह हम MMRDA में ये रेल कंस्ट्रक्शन के लिए देंगे। अब जब वो रेल कंस्ट्रक्शन के लिए लेंगे और उसकी आपको हम एरिया देंगे तो वो जब रेल कंस्ट्रक्शन में लेने वाले थे तो जो स्केच था उससे ये समझ में आया कि ये सारी होटल निकल जाएगी। तो जब सारी होटल निकल जा रही है तो वकील ने और आर्किटेक्ट ने सबसे बोला कि साहब अभी इसके ऊपर और जनरेट का कोई फायदा नहीं है MMRDA वाले इसको तोड़ देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उसने MMRDA को भी मैनेज किया और वो होटल टूटी गई और वो होटल बढ़ाते चला गया। हमारी स्कूल की वॉल पे सब उसने अपने मीटर लगा दिए और स्कूल की वॉल के ऊपर एक डेंजरस झाड़ है वो सब गिर सकता है। हमने कई बार ये सब अथॉरिटी को बताया। 2015 में कुर्ला मिल में उधर आग लगी होटल के अंदर उस वक्त भी हमने BMC कमिश्नर को चिट्ठी लिखी सबको चिट्ठियाँ लिखी कि देखो साहब ये इलीगल होटल है ये चल रही है लेकिन उस वक्त भी BMC वालों ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ही हमने लेटर भेजा तो उसने सब डिपार्टमेंट से इलीगल लाइसेंस लेना शुरू किया
बीएमसी से लाइसेंस देना शुरू किया, फायर ब्रिगेड से लाइसेंस शुरू किया और उसने सब अपना एरिया एरिया सब जो कारोबार है अपना उसने शुरू किया और हमने आरटीआई लगाई 2015 में 20-12 को कि साहब आपने इसको कोई लाइसेंस दिया है फायर ब्रिगेड को, तो फायर ब्रिगेड ने आरटीआई के जवाब में बोला हमने कोई लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन उसके सिर्फ 6 दिन के बाद उसको कंडीशनल लाइसेंस दे दिया कि आप खाली ग्राउंड फ्लोर यूज करोगे, 103 स्क्वायर मीटर ग्राउंड फ्लोर किया गया है और गेमिंग फ्लोर नहीं यूज करोगे जब तक कि आप उसको रेगुलराइज नहीं करते। बीएमसी ने उसको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का लाइसेंस दिया 103 स्क्वायर मीटर का, वो 103 स्क्वायर मीटर का बीएमसी का लाइसेंस फायर ब्रिगेड की 43 कंडीशन है, वो एक भी कंडीशन ये होटल वाला मीट नहीं करता है। इनलीगल होटल चला रहा है, इसके कारण बच्चों को बहुत खतरा है, हम बार बार अथॉरिटी के सामने ये बात भेजा रहे हैं कि MMRDA की CEO से भी प्लास्टिक लगा रखी थी, अब वो प्लास्टिक जो है उसने हटाई है, लेकिन फिर भी कुछ प्लास्टिक के टुकड़े वहाँ पड़े हैं, वो प्लास्टिक में आग लग सकती है, सिर्फ 5 फुट है, एक कौन से MMRDA के रूल से बना है, जब MMRDA ने पहले बोला हम सब तोड़ेंगे तो उन्होंने इसको तोड़ा नहीं, तो इसके अंदर BMC की MMRDA की पुलिस की फायर ब्रिगेड की सबकी कोई मिली भगत है, इसमें यहाँ के कॉर्पोरेटर भी होंगे, यहाँ के MLA भी पुराने होंगे जो इसको सब प्रोटेक्शन दे रहे हैं और ये हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, BMC पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसके जगह के ओनर हैं और जब से ये कमला मिल के अंदर आग लगी और ओनर को ढूंढने लग गए तब से हमारे यहाँ सब कड़फड़ मच गई है कि भाई होटल वो चला रहा है, एक पैसा कभी उसने कोई रेंट का या कुछ हमको दिया नहीं है, कोई उसका हमारा कोई नस्बत नहीं है, वो इलीगल होटल चला रहा है, वो पैसे कमा रहा है, लोग पैसे खा रहे हैं, लेकिन पकड़े जाएंगे हम, वो सब आजकल मालिक को पकड़ते हैं कि मालिक को ढूंढो, हमको बोला जा रहा है कि जब आपको मालूम है कि ये होटल इतनी डेंजरस है तो आप स्कूल बंद क्यों नहीं करते हैं, आप स्कूल बंद कर दीजिए, आप होटल आप मतलब हम होटल चलाएंगे, ये मेरे को गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर ने उसके सेक्रेटरी ने बोला, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे को बोलता है आप जो मालूम है कि ये खतरा है तो आप स्कूल बंद कर दो, आप स्कूल क्यों चलाते हो, आप तो पकड़े जाओगे निश्चित ही, हो सकता है आप तो ये शंका करेंगे कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो पैसा खा रहा है और पैसा खा के होटल चलवा रहा है, हम तो ये शंका करेंगे कि स्कूल का मैनेजमेंट ही इसके अंदर इन्वॉल्व है और पैसा खा के होटल चलवा रहा है, तो ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है, हम पकड़े जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि साहब ये जो है एक हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा फॉल्ट सब लोग मिलकर कर रहे हैं, ये करप्शन का सेंटर है और हमारी जो लड़ाई है वो तूफान और दिए की है, हम एक छोटे से दिए हैं और ये सारी अथॉरिटी जो मिलकर ये काम करा रही है तूफान है और इस तूफान का सामना मीडिया का जो कोर सिस्टम है डेमोक्रेसी का शायद वो कर सकता है, इसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि साहब हमारे बच्चे गुजर जाएंगे या कुछ झगड़ा हो जाएगा और भागने की भी जगह नहीं, वो यदि दूर जाती थी तो ये ऑटो रिक्शे वगैरह सब वहाँ खड़े होते थे और वो सारे हमारे गेट पर खड़े होते हैं, नीचे उन्होंने एक दूसरे खोखे लगा दिए, फुटपाथ पर दूसरी समस्याएँ हैं, 3-4 हज़ार बच्चे हैं, यदि आग लग जाएगी ऐसी विषम परिस्थिति में यदि कुछ अपघात हो जाएगा तो फिर बाद में हम ऑपरेशन करने की सोचेंगे, हमने 6 जनवरी को करीब 25 लोगों को पिटीशन लिखी है, मिनिस्टर कमिश्नर को लिखी है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को लिखी है, हमने चीफ मिनिस्टर को लिखी है, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखी है, फायर ब्रिगेड को, MP को लिखी है, MLA को लिखी है, मेयर को लिखी है, सबको लिखी है और आज करीब एक महीना होने जा रहे हैं और इस होटल पे कोई इंक्वायरी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके लिए हमने तय किया कि साहब ये सारा मामला हम प्रेस को बताएं, प्रेस वाले फोटो लें, देखें कितनी हेजार्डस है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग पर उसके सारे इलीगल अपने मीटर लगा रखा है, सब कनेक्शंस हैं, आप सब फोटो लीजिए उसकी वायरिंग की, किस तरह से वो वायरिंग है, किस तरह से वो झाड़ लगा हुआ है, किस तरह से आप उसके अंदर जाएंगे तो LPG के सिलेंडर हो, BSD के सिलेंडर्स हैं, फायर ब्रिगेड की कंडीशंस है कि वो पहला फ्लोर नहीं यूज करेगा, फिर भी वो पहला फ्लोर भी यूज करता है,
किचन की दो एंट्री होनी चाहिए, वो किचन की दो एंट्री भी नहीं है। और कभी भी जो मेट्रो की जो रेलवे लाइन है वो लिफ्ट है, वो 10 फुट भी नहीं है। सारी मेट्रो डेंजर में है, सारे लोग डेंजर में है, बच्चे निकल नहीं पाएंगे। और यदि कभी बड़ा हालात हो गया तो बहुत सारे लोगों की जान माल को खतरा है। इस खतरे को देखते हुए हम चाहते हैं कि मीडिया इस बात को आवाज़ उठाए। और हम आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि मीडिया के आवाज़ उठाने के बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो हम राष्ट्रीय सैनिक संस्थान हैं, उनके पदाधिकारियों को भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सैनिक संस्थान भी इस तरीके के मुद्दे को उठाती है। और सुदर्शन चैनल वगैरह ये सब लोग भी सब आते हैं, इस तरीके के भ्रष्टाचार के मुद्दों को, जितने भी ये भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ लड़ने वाली चैनल्स हैं, उन सबको भी हम अप्रोच करेंगे। हम एक जन मोर्चा भी निकालने की कोशिश में हैं, यदि हम नहीं सुनेंगे तो हम एक मोर्चा भी निकालेंगे। फिर ये मोर्चा खाली मुंबई से सीमित नहीं होगा, महाराष्ट्र सारे देश में जाएगा। भ्रष्टाचार की एक कहानी सारे देशवासियों को सुननी चाहिए कि किस तरह से किसी की जमीन में लोग कब्जा करते हैं और उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, सब अथॉरिटियाँ उनको लाइसेंस देती है, और किस तरह से हिंदुस्तान में कानून को एक कानून को पंगु बनाकर अपना मालिक है। यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम चैरिटेबल कमिश्नर के ब्याज से हम स्कूल कॉलेज चलाते हैं। अब जब चैरिटी कमिश्नर मालिक है तो सरकार इसकी ओनर है, फिर भी इस तरह से लोग मिस्टीवियस काम भी सारे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर, ट्रस्ट की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, ट्रस्टी कहाँ तक लड़ सकता है? और मरेगा ट्रस्ट, आग लग जाएगी तो जैसे कमला मिल के ऑनर को ढूंढ रहे हैं वैसे हमको ढूंढेंगे। हमको बोलते हैं स्कूल को चला दे, बंद कर दो। आप लोग सब तय करें, देश तय करे, समाज तय करे कि स्कूल बंद करना जरूरी है, 5,000 बच्चों को पढ़ाना बंद करना जरूरी है, एक इलीगल होटल चलाना जरूरी है। सारे राष्ट्र को इसका निर्णय करना है, सारे समाज को निर्णय करना है कि स्कूल चलनी चाहिए या होटल चलनी चाहिए। किस विभाग के अधिकारी ने कहा कि बंद कर दो इसको? हाँ सर, किस विभाग के अधिकारी ने कहा कि इसको बंद कर दो? वो मैं सर नाम नहीं बताऊंगा। तो बताएंगे बहुत बड़े, मतलब हिंदुस्तान के बहुत बड़े ऑफिसर बोलो जो भी बोलो, उसका सेक्रेटरी से जब हम मिलने गए सर हमको अपॉइंटमेंट दीजिए। विभाग तो बता सकते हैं ना, कौन से विभाग? नाम मत लीजिए ना, विभाग बताइए। वहाँ से मैं बोलता हूँ ऐसे ही मैं पर्सनल लेवल पर हमारी मीटिंग कर दिया तो बोलता है आप मर जाओगे जब आपको मालूम है कि यह होटल में आग लग सकती है और डेंजरस है तो आप स्कूल चला क्यों रहे हो? आपको स्कूल बंद कर देनी चाहिए। मैं शॉक हो गया और तो पसीना आने लग गया है और मैं सोच रहा हूँ एक होटल चलना जरूरी है और स्कूल बंद होना मतलब वो 5,000 बच्चों का पढ़ना बंद होना चाहिए, लेकिन होटल चलेगी और पकड़ेंगे हम आपको क्योंकि आप चलवाओ आपकी जमीन में। सर इसमें जिसको आपने लेकर दिया है उसे कोई जवाब को भी जाकर के आपने लेने की कोशिश की? सर हमने मैंने यही बताया ना, मैं सब लोगों को फोन करवा रहा हूँ कि हम दो लोगों को फोन कर रहे हैं, मेयर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कमिश्नर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम जितने भी हमारे सोर्स हैं हम जो भी हम पब्लिक ड्राइव में यूज कर सकते हैं हम कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियन पर आपने आरोप लगाया, नगर सेवक और कोई MLA मिले, कौन है वो? मैं नाम कैसे बता सकता हूँ, जो भी ये पद्धति के अंदर आते हैं आप सबको मालूम है कि ये जितने भेजपुरी वाले हैं तो भेजपुरी वाला बोलता है मेरी सोसाइटी में कि साहब मैं यहाँ आपके यहाँ रेडी लगाता हूँ। मैं बोला यार खाली सोसाइटी के लोग मिलते हैं तो बाहर क्यों नहीं लगाता है? बोला था बाहर पुलिस वाले को हफ्ता देना पड़ता है, PMC वाले को हफ्ता देना पड़ता है। हम सबको मालूम है कि एक रेडी लगाने के लिए भी PMC वाला पुलिस वाला सब पैसा देते हैं रोज, तो वो सब पैसे ले रहे हैं और पैसे रोज की बिल्किंग कम हुआ है। 1,00,000 रुपये का रोज का धंधा कर रहा हूँ, 50,000-60,000 रुपया रोज बांट रहा है तो इतनी बड़ी इनकम ये लोग बांट के खा रहे हैं भ्रष्टाचार करके, तो यही तो उजागर करना है। मोदी जी बोलते हैं देश बदलेगा, आप बताइए ये काम ऐसा नहीं चलेगा, लोग सोचते हैं कि भ्रष्टाचार बंद होगा, हम भी सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद होगा, इसके लिए हम आप सबके सामने आए, आप फोटो देख लीजिए, ऊपर जाइए, होटल के अंदर जाइए, बस लोग बैठे कि नहीं देखिए, हमारे कंपाउंड वॉल पर जाइए किस तरह से उसने इलीगल मीटर लगाया हुआ है, किस तरह से वायर लटके पड़े हैं,
देखिए अब ये अखबार हो जाएगा तो हमको बोला जाएगा कि आप मालिक हैं, आपको मालूम था तो आप स्कूल क्यों चला रहे थे। अब ये सब देश को राष्ट्र को करना है कि स्कूल बंद करनी है कि होटल चलने देंगे, मुद्दा हमारा एक ही है। यदि सब बोलेगा कि नहीं ये होटल चलेगी हम स्कूल बंद कर देंगे, यदि नो अदर ऑप्शन फॉर अस। किसी किसी की तरफ से, किसी अधिकारी की तरफ से, कोई किसी विभाग की तरफ से आपको कुछ जवाब तो आया नहीं है? देखिए हमने जो आरटीआई लगाई, आरटीआई से हमें ये पता चला कि इसको 2015-16 तक 103 स्क्वायर मीटर का जीएमसी ने होटल चलाने का लाइसेंस दिया 2015-16 तक। अब वो 103 स्क्वायर मीटर का है, फायर ब्रिगेड ने एनओसी दी है कि आपको मेजनी फ्लोर यूज नहीं करना है जब तक आपका लाइसेंस पूरे पाने का नहीं होता, फिर भी वो यूज कर रहा है। जब 2003 में इसने बोला मेरे को टैक्स भरना है, प्रॉपर्टी का रिपेयर करना है, तो उसकी एरिया नापी गई 173 स्क्वायर फीट। फिर इसने बोला मेरे को कमर्शियल यूज करना है, तलाटी के पास गया तो तलाटी ने उसकी एरिया नापी ली कि 74.10 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। अब 74.10 स्क्वायर मीटर होता है तो 74 पे अभी 206 स्क्वायर मीटर कैसे बन गया? अलग अलग लोग अलग अलग एरिया बता रहे हैं, लाइसेंस 103 स्क्वायर मीटर का उसने दिया हुआ है, एरिया 206 स्क्वायर मीटर चला रहा है। सारे लेटर्स हैं, हमने आरटीआई से सब पता किया कि भाई ये मामला है क्या, कितने का लाइसेंस दिया, कब दिया, क्यों दिया, बिना ओनर की मर्जी के। ये हिंदुस्तान ही है जिसमें लोगों को लाइसेंस मिलते हैं, लोग काम ना करते हैं इंडिकल लोग, और जो ओनर है वो बेचारा देखते रहता है। यदि कोई पर्सनल ओनर होता तो लड़ता मरता। अभी ट्रस्ट का है तो अभी ट्रस्ट के लिए एक प्रेसिडेंट तो सिर पे डंडा खा के बच गया, और ये लोग तो रिवॉल्वर लेके मार देंगे, सबको जान का खतरा है। और मेरे को भी बहुत बड़ी जान का खतरा है कि मैं इस तरह से आवाज़ उठा रहा हूँ तो हो सकता है कि रद्द कर दें। फिर भी करप्शन को यदि हटाना है, समाज को यदि जागरूक करना है, तो किसी न किसी को तो एक दूसरे का हाथ में देना ही पड़ेगा, आवाज़ को उठानी पड़ेगी। किताब इस तरह से बीएमसी के अंदर ये सब इंडिकल दिए जा रहे हैं और इसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी है उसका पता करना तो पत्रकारों का काम है। भाई कौन इतना ले रहा है, उसकी रूटी कौन पर बांट रहा है, अब ये तो खुद ही पत्रकार जो कैलका वगैरह वो सब जाके पता करेंगे, खुद ही पत्रकार लोग जाके।